ना तुम कितनी अच्छी हो। मम्मी को माफ भी कर। अल्लाह माफ करने वालों को और एहसान करने वालों को पसंद करता है, और ये अल्लाह का एहसान ही तो है कि ताई मम्मी को अपनी गलती का एहसास हुआ। तो मैं सोच भी नहीं सकता था कि सब कुछ इतनी जल्दी ठीक हो जाए। मेहर अक्सर औकात हमारी जिंदगी में वो कुछ होता है जिसका हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। तुम्हें पता है जब मुताहिर ने मुझे छोड़ा था तो मेरा सब कुछ खत्म हो गया था। मुझे लगा था कि मेरी जिंदगी में अब सिर्फ आजमाइश ही आजमाइश है, अब कभी कुछ ठीक नहीं होगा। सच कहूं तो जिंदगी बहुत मुश्किल हो गई थी मेरी। ताहिर तुम्हारा माजी था और तुम अपनी माजी की कैदी नहीं बन सकती। यूं समझो कि ये जिंदगी का एक सबक था, लेकिन जिंदगी भर की सजा नहीं। तुम ठीक कह रहे हो, अल्लाह के हर काम में कोई ना कोई मसलहत होती है। ये बात हमें उस वक्त समझ में नहीं आती, मगर आने वाला वक्त सब कुछ साबित कर देता है। जी कौन? मैं हूं उमेर। आ जाए अम्मी। बेटा लाओ अजलान को मुझे दे दो, मैं बहला लेती हूँ इसे। भाई अब तो मैं इसकी नानी भी हूं, दादी भी हूं, मुझे भी कुछ फर्ज पूरा करने दो। लाओ इसे मुझे दे दो। बस 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 मेरा बेबी।